स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन एक्ट प्ले को और इसके फीचर्स को। हमने प्ले तो सुना है, लेकिन ये वन एक्ट प्ले क्या होगा, चलिए देखते हैं। अ वन एक्ट प्ले इज अ प्ले, ये एक ऐसा प्ले होता है दैट हैज ओनली वन एक्ट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्ट होता है। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि जो प्लेज होते हैं, जो ड्रामाज होते हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा एक्ट होते हैं, तो फिर ही उनकी कोई सेंस बनती है। इसमें तो सिर्फ एक एक्ट है, तो इसकी सेंस कैसे बनेगी, हमें समझ कैसे आएगा, तो चलें देखते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेज दैट अकर ओवर सेवरल एक्ट्स, ये उन प्लेज से डिफरेंट होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्ट्स होते हैं। वन एक्ट प्लेज मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीन्स, ओके इसमें एक्ट सिर्फ एक है, लेकिन इसमें सीन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। In recent years, the 10-minute play known as flash drama. अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, तो उसमें जो 10-minute play होता था ना, उसको बोला जाता था flash drama. Has emerged as a popular subgenre of the one-act play. ये one-act play का ही subgenre है, जो कि बहुत ज़्यादा popular हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा emerge हुआ लोगों में. Specially in writing competitions. और writing competitions में ये बहुत ही ज़्यादा लिखा जाता है कि वन एक्ट प्ले लिख के दिखाएं, कि उसमें जो राइटर होता है उसकी, या जो भी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, उनकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, सारे का पता चल जाता है कि ये एक छोटे से पैराग्राफ में कितना कुछ भर सकते हैं, ठीक है। The origin of the one act play may be traced to be very beginning of drama. अगर हम इसके origin की बात करें कि ये कब से start हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि जब ड्रामा शुरू हुआ, तभी कहीं वन एक्ट प्ले भी तभी स्टार्ट हो गया था। इन एंशियंट ग्रीस साइक्लोप्स अ स्ट्रे प्ले और बाय यूरिपाइड्स, या मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन यही हो, लेकिन इज एन अर्ली एग्जाम्पल, ठीक है। अ स्टर प्ले बाय यूरिपाइड्स, ये क्या है, अर्ली एग्जाम्पल है किसकी, वन एक्ट प्ले की, ठीक है। वन एक्ट प्ले वो रिटन एंड स्टेज थ्रू आउट द 18th and 19th century. 18 और 19 सेंचुरीज में इसको मतलब स्टेज पर भी क्या कह लें कि परफॉर्म किया गया। द कर्टेन राइजर्स एंड द आफ्टर पीसेस, वो आगे से सारा बोरिंग ही है, यहाँ से देखते हैं। द वन एक्ट प्ले रिक्वायर्स नो इलेबोरेट सेटिंग, यानी कि इसके लिए कोई डिटेल्ड वाली सेटिंग हमें नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग भी होगी तो चलेगा। एंड कस्टम्स, और कोई इसको ऐसे कस्टम्स भी नहीं चाहिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एंड सो कम्स इन अ हैंडी टू बी स्टेज इन एमेच्योर ड्रामेटिक सोसाइटीज एंड क्लब्स, और इसको आसानी से किसी भी क्या कह लें सोसाइटी में या क्लब में परफॉर्म किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी मतलब मेजर ड्रामेटिस्ट देखें जिन्हें वन एक्ट प्लेज लिखे हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं एंटोन चेखोव, मे बी इनकी प्रोनाउंसिएशन यही हो, आ मैरिज प्रपोजल 1890 में। फिर उसके बाद ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग, मदरली लव एंड द फर्स्ट वार्निंग, एंड सैमुअल बेकेट, क्रैप्स लास्ट टेप। ओके, यहाँ तक ही काफ़ी है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, के इसकी कौन सी खसूसियात होती हैं। वन एक्ट प्ले इज अ प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्ट होता है, बट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीन्स, लेकिन इसके अंदर एक या एक से ज्यादा सीन्स हो सकते हैं। वन एक्ट प्ले आर यूजली रिटन इन कॉन्साइस मैनर, इसको कॉन्साइस मैनर में लिखा जाता है। अब कॉन्साइस मैनर कौन सा होता है, सिंपल मैनर कह सकते हैं उसको, ठीक है। इट डील्स विद अ सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन एंड एम एट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट, या तो ये सिंगल सिचुएशन पर मतलब पूरा होगा, या तो इसका एक एम होगा कि एक सिंगल इफेक्ट बनाने का। इट डील्स विद ओनली वन थीम, इन ये सिर्फ एक ही थीम को लेके चलती है थ्रू आउट द सिचुएशन एंड वन क्लाइमेक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ऑफ इफेक्ट, और एक ही क्लाइमेक्स और एक ही थीम रहती है इसमें। इट ट्रीट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी डे लाइफ एज मैरिज, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, लेबर कंडीशंस एंड डिवोर्स, इन सब पर
इन सब प्रॉब्लम्स को ये लेकर चलती है, द वन एक्ट प्ले लाइक द लॉन्गर ड्रामा। ठीक है, जैसे लॉन्गर ड्रामा की तरह अगर हम देखें, शुड हैव अ बिगनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। जिस तरह लंबा एक ड्रामा होता है उसकी जैसे एक बिगनिंग मिडिल एंड होता है, तो वन एक्ट प्ले का भी सेम ही होता है। और ये फोर स्टेजेस में डिवाइड इसको किया जाता है, एक्सपोजिशन स्टार्टिंग, द कॉन्फ्लिक्ट, द क्लाइमेक्स, डिन्यूमेंट। ठीक है, एक्सपोजिशन में अगर हम देखें तो वो इंट्रोडक्शन होता है, अगर हम उसके कॉन्फ्लिक्ट में देखें, इट इज़ थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट दैट द एक्शन ऑफ ड्रामा डिवेलप्स, ड्रामा का एक्शन स्टार्ट होता है, इट इज़ द वेरी बैकबोन ऑफ द वन एक्ट प्ले। और ये वन एक्ट प्ले की रीढ़ की हड्डी कह लें हम, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाइमैक्स की अगर हम देखें तो ये तो सबको ही पता होगा, टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी ड्रामा का, किसी भी स्टोरी का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन एक्ट प्ले, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वन एक्ट प्ले का, एंड सब्स्टिट्यूट्स इट्स मोमेंट ऑफ सुप्रीम इंटरेस्ट। और इसका और यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो जो क्या कह लें रीडर या जो भी देख रहे हैं ऑडियंस का क्या कह लें इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेता है। द डिनोमेंट अगर हम इसको देखें तो ये तो एंडिंग है, ठीक है, इज अ ब्रीफ एंड ऑफ्टन ओवरलैप्स विद क्लाइमैक्स, एंडिंग हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसकी कुछ और क्या कह लें करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एक्शन है वो बिगन होता है एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, देर आर थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज विच आर ऑब्जर्व इन द वन एक्ट प्ले, द यूनिटीज आर द यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ द एक्शन। ठीक है, तीन चीज़ की यूनिटी है जो कि पाई जाती है क्या कह लें इसमें वन एक्ट प्ले में, यूनिटी ऑफ टाइम, टाइम जो है वो एक ही तरह का रहेगा, प्लेस भी एक ही रहेगा और एक्शन भी एक ही तरह का रहेगा। द करेक्टर्स इन वन एक्ट प्ले आर लिमिटेड इन नंबर, इसके करेक्टर्स लिमिटेड होते हैं, करेक्टर्स ज़्यादा नहीं होते जनरली, देर आर मोर देन टू और थ्री पार्टिसिपेंट्स, ओके, प्रिंसिपल करेक्टर्स। ठीक है, there is no full development of character, all the different aspects of a character are not present। तो यहाँ पर कोई character की full development नहीं होती इसमें, ठीक है, लेकिन character के सारे aspects जो हैं वो भी present नहीं होते। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हर चीज़ उसमें बताई जाए और ऐसे वैसे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो लेंथी हो गई है, वैसे भी अक्सर हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई लास्ट तक पहुंचा होगा, लेकिन अगर कोई पहुंच गया तो कमेंट में मुझे आके ज़रूर बताएं। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो। थैंक यू।